तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग चलेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ। ये और ये इंटेलिजेंस का स्टडी जो है वो शुरू हुआ था फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा। उन्होंने एक्चुअली जो फ्रांसिस गैल्टन थे वो चार्ल्स डार्विन के कजन थे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम मेंटल एबिलिटी टेस्टिंग का कोई पोस्टुलेशन रखा। उन्होंने एक लेबोरेटरी सेट किया लंदन में, और उन्होंने मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हाइट, वेट, रेस्पिरेशन रेट, कैपेसिटी ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन, कलर परसेप्शन, साउंड परसेप्शन, इतने सारे चीज़ों को उन्होंने रिकॉर्ड किया एक पर्सन को, और जितना अधिक उनका एबिलिटी होता था उससे उनका मेंटल एबिलिटी डिसाइड किया जाता था। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है वो है फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट श्री अल्फ्रेड बिने का। एक्चुअली फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट ने फ्रेंच गवर्नमेंट ने 1904 में एक क्वेश्चन राइज किया कि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं उनको किस मेथड से शिक्षा दी जाए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी वो थी कि किस प्रकार से उनको खोजा जाए कि ये मेंटली रिटार्डेड हैं या मेंटली कमज़ोर हैं। तो इसमें अल्फ्रेड बिने ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, और इनके कलीग थे थियोडोर सिमोन, जिन्होंने मिलकर एक 30 क्वेश्चन का क्वेश्चनेयर डेवलप किया और वो बच्चों को देते थे, और उसके अकॉर्डिंग उनका मेंटल लेवल को जांच किया जाता था। बाद में उन्होंने 1908 में एक रिवीजन इस टेस्ट का लाया, और इसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो सारा एज के हिसाब से बने हुए थे। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता था। उन्होंने सिंगल फैक्टर थ्योरी दी। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि जो एक जी फैक्टर है या कॉमन सेंस है वो डिसाइड करता है कि आपका मेंटल लेवल क्या होगा, और इसी के आधार पर उन्होंने मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट दिया जो फर्दर आईक्यू के डेवलपमेंट में काम दिया, जिसको आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा। इन्होंने सिंपल बात ये कही कि हायर द एनर्जी लेवल या मेंटल एनर्जी या जी फैक्टर, हायर द इंटेलिजेंस इज। बहुत ही सिंपल थ्योरी थी। बट इनके एक क्रिटिक थे, वो थे चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कार्ल पियर्सन का जो दो मेथड था कोरिलेशन और फैक्टर एनालिसिस, उसका यूज किया इंटेलिजेंस टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए कि उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या है। तो उन्होंने ये पाया कि केवल जी फैक्टर अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसे भी इंटेलिजेंस मतलब ऐसे भी काम हैं जिसको हम इन्वायरमेंटली प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। तो उसको इन्होंने इनहेरिटेड फैक्टर ना बोल के स्पेसिफिक फैक्टर या लर्न फैक्टर बोला। एक्चुअल में उन्होंने यहाँ पर एक देखेंगे ये जो चार्ट है इसमें देखिए, उन्होंने वर्बल एबिलिटी की टेस्टिंग की और उसमें पाया कि ये जो जी फैक्टर है ये कॉमन है। फिर स्पेशल जो एबिलिटी थी उसका टेस्टिंग किया उन्होंने, उसमें भी जी फैक्टर को कॉमन पाया। मैकेनिकल एबिलिटी की टेस्टिंग की, इसमें भी जी फैक्टर को पाया, और न्यूमेरिकल एबिलिटी को भी टेस्टिंग किया जिसमें उन्होंने जी फैक्टर को कॉमन पाया। उनका जो कोरिलेशन था, मतलब कोरिलेशन आप समझते हैं कि दो चीज़ों के बीच का रिलेशन, जैसे वर्बल एबिलिटी और जी फैक्टर का, स्पेशल एबिलिटी और जी फैक्टर का, तो इन सब में पॉजिटिव कोरिलेशन उन्होंने देखा, और देखा कि ये आपस में भी एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब स्पेशल एबिलिटी मैकेनिकल एबिलिटी से कर रही है, मैकेनिकल एबिलिटी वर्बल एबिलिटी से कर रही है,
वर्बल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी से कर रही है, तो इस प्रकार से आपस में सारे कोरिलेटेड थे। इन्होंने इस मेथड का यूज करके ये बताया कि केवल जी फैक्टर नहीं है जो इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बल्कि एस फैक्टर ऐसा है जिसको लोग सीख सकते हैं और वो किसी भी टाइम फ्रेम में उसको चेंज किया जा सकता है, और ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। लेकिन अगर जी फैक्टर कम है तो ये एस फैक्टर भी कम हो जाएगा, और जी फैक्टर अधिक है तो ये एस फैक्टर भी ज़्यादा होगा, ये उन्होंने कंक्लूड किया। तो इस प्रकार उन्होंने एक मेंटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया और काफ़ी अच्छा उनका अपना एनालिसिस था। एक्चुअल में वो अल्फ्रेड सिमोन के क्रिटिक माने जाते हैं। तो इसका फर्दर डेवलपमेंट हॉवर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में हम लोग आगे की ओर देखेंगे, और आज के लिए इतना ही। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी देखेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आप उसे रिलेट कर पाएंगे।